जिनाजी ने अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महेंद्र की कि यहाँ पे डॉक्टरों की कमी को लेकर अक्सर व बेशतर सामाजिक कारकुन हूँ, सियासी लीडरान हूँ या आम लोग हूँ, उन्होंने हमेशा से आवाज उठाई है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महेंद्र में डॉक्टरों की कमी की वजह से आवाम को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज एक बार फिर सामाजिक कारकुन और सुमा यूनियन के प्रेजिडेंट कफील खान ने इंतजामिया से अपील करते हुए ये कहा कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महेंद्र के अंदर है जो डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए, यहाँ पे सर्जन और बच्चों के डॉक्टर की जो कमी है उसे पूरा किया जाए। मांग की कि पीएचसी हरनी में है जो वो एम्बुलेंस की कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि एक बड़ा इलाका है, कोई भी हादसा अगर रोनमा होता है तो वहां से मरीजों को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक लाने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और ऐसे में खतरा बना रहता है कि कई बार मरीज जो है रास्ते में ही दम तोड़ देता है। लिहाजा उन्होंने मांग करते हुए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को और यूटी जम्मू कश्मीर के आला इंतजामिया से अपील की कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस है जो वो मुहैया करवाई जाए। आइए सुनते हैं कि सामाजिक कारकुन सुमा यूनियन प्रेसिडेंट कफील खान क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मकसद है, एक हमारी पीएचसी जो हरनी है उसके साथ कितने सब सेंटर है वो कम से कम जो है 50-52 हजार की आबादी में जो है वो एक वो पीएचसी है। देखिए, वहाँ पर जो है एम्बुलेंस होना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि रात के में कभी कोई बंदा जो है कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ पर जो है एम्बुलेंस नहीं है। लेकिन हमारी पीएचसी जो है 52 हजार आबादी के साथ वो लिंक है उसका, और वहाँ पर जो है एम्बुलेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आजाद कोहली साहब यहाँ पर मेंढर में जो है खासकर बच्चों का डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। सियासी लोगों ने भी, समाजी लोगों ने भी बहुत बड़ी आवाजें उठाई है, लेकिन आज हमने सोचा कि एक सोशल एक्टिविस्ट होने के बावजूद हम अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से एक आवाज उठाएं। यहाँ से जो बच्चे सुरनकोट में या पुंछ में या रजौरी में लेके जाते हैं, कुछ लोग ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास किराए का सरमाया नहीं है, वो यहाँ से 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर अप डाउन करते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर होना बहुत जरूरी है और यहाँ पर एक सर्जन होना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से, मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बच्चों का डॉक्टर और एक सर्जन होना जो है बहुत जरूरी है, यहाँ पर दिया जाए। आपके माध्यम से मैं आईजी इंतजामिया से और खासकर डीसी पुंछ इंद्रजीत से, अपने यासीन चौधरी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर डॉक्टर जो है बहुत जरूरी है, जो सर्जन है, और आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर देखें, तीन तहसीलें हैं, तीन तहसीलों के बीच में यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। क्यों, क्या वजह है, हमारे लोगों की क्या गलती है? लेकिन हम अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से हम मैसेज देना चाहते हैं सरकार इंतजामिया से और खासकर एलजी इंतजामिया से और डीसी साहब से और एसडीएम मेंढर जो जहांगीर खान साहब से, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेहरबानी करके पीएससी हरनी वहां पर जो एम्बुलेंस होनी चाहिए और मेंढर में जो डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर जो है वो होना बहुत जरूरी है, जो सर्जन होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो हम इंशाल्लाह ये एक बड़े पैमाने पे एक प्रोटेस्ट लेके, प्रोटेस्ट की शक्ल में लेकर हम जाएंगे और हमारा आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगी और खासकर मीडिया को हम यहाँ पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं जो हमारी वक्तन बवक्तन बात ऊपर तक पहुँचाते हैं। और लास्ट में यही भी हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से एक मैसेज और देना चाहते हैं कि कल दिवाली का प्रोग्राम है, दिवाली का जो त्यौहार है, हम अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से हम हिंदू भाइयों को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और एलजी इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारी ये मांग जो है, ये जेन्युइन डिमांड है, हमारी पूरी होनी चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।